मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरेबिया के शहर अबा खमीस मशीद में, और रात के इस वक्त बज रहे हैं 9:30। और मैं अभी वॉक करने के लिए बाहर निकला था, तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उस जगह का नाम है मता उल नसरिया। रात के स्पैर या लेट नाइट, मतलब मिड नाइट में आप रात के 1-2 बजे भी अकेले बाहर निकलें किसी सुनसान वीरान गली में भी, तो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुल्क में पैदाइश हुई, और जो रहमतुल आलमीन है इन दोनों जहानों के, जिनके लिए ये कायनात बनाएगी, तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुल्क में इस जगह पे आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मैंने उम्रा किया है यहाँ पे आके, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ है यहाँ की, और सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा फूड क्वालिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है फूड क्वालिटी का निज़ाम। फिर और यहाँ के लोग भी रूल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए या कोई भी ऐसा काम इलीगल काम नहीं करते जिससे बाद में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आज हमारे तो हो गए हैं 28 रमज़ान मुबारक की शब गुज़र चुकी है, और सुबह हमारा 29वां रोज़ा है। उसके बाद शाम को डिसाइड होगा कि ईद है या नहीं है। तो अल्लाह पाक ऐसी हज़ारों ईदें सब को अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अभी उस स्ट्रीट से निकल के बाहर मता उल नसरिया के मेन रोड पे आ गया हूँ, जहाँ पे इस टाइम ट्रैफिक का ज़ोर ज़्यादा होता है। मतलब लोग यहाँ पे दिन को तो इतना बाहर नहीं निकलते, रात को ही निकलते हैं। जो भी मतलब कहाँ वर्क से भी रिलेटेड कोई चीज़ है तो रात को ही करेंगे, दिन को बहुत कम आपको यहाँ लोग नज़र आएंगे। इवन के यहाँ पे लेबर को भी इतनी रिलीफ दी जाती है कि वो भी मतलब दिन को रोज़ा रख के काम ना करें, शाम को करें। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे कानून हैं उनके, सख्त कानून है लेकिन अच्छे कानून हैं। तो आई अप्रिशिएट फॉर दिस कंट्री। ये टाइल्स की शॉप्स वगैरह हैं, शोरूम्स वगैरह हैं। अभी तो यहाँ पे इतना मतलब ट्रैफिक नहीं है, आफ्टर ईद इंशाल्लाह ताला यहाँ पे लोगों ने जो भी मतलब अपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो भी एसेसरीज़ लेनी होती हैं वो यहाँ से आके परचेज करते हैं। और ट्रैफिक माशाल्लाह रवां दवा है, ट्रैफिक का शोर देखें, और हर बंदा अपने अपने काम पे जा रहा है, कुछ आ रहे हैं। ये भाई भी कहीं से काम करके वापस घर को जा रहे हैं। और प्लीज़ जो मुझे जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दे, सपोर्ट कर दे। ये मता उल नसरिया का यहाँ से बस मतलब मेरा तो घर सामने है बिल्कुल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पेट्रोल पंप मिलता हमें। मस्जिद मिलती है, बारबर शॉप मिलती है, साथ एक रेस्टोरेंट है। फिर वो जो आपको स्ट्रेट अवे नज़र आ रही है वो आगे एक चौक सा आता है, वहाँ पे बड़ी मार्केट्स हैं ग्रॉसरी के लिए। मतलब वहाँ से आप जाके अपने घर की जो ग्रॉसरी है, किचन की और दूसरी एसेसरीज है, वो इजीली वहाँ से आप ले सकते हैं। सेकंड, ये टैक्स फ्री कंट्री है। मैं उस दिन जा रहा था मक्का बाय रोड ना, तो मुझे रास्ते में कहीं भी टॉल प्लाजा नहीं नज़र आए जो मतलब
टॉल को असेस करते हैं या आपसे मतलब टॉल प्लाजा लेते हैं जैसे हमारे कंट्री में है। माशाल्लाह ये तरक्की याफ्ता कंट्री है। फिर यहाँ पे आपको पता है तेल के ज़खायर इतने हैं, इन्होंने पता नहीं कितने सालों का तो तेल इकट्ठा किया हुआ है। और फिर है भी पाक जगह है, यहाँ पे हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम के जन्म हुए, मतलब पैदाइश हुई, यहीं पे तदफीन हुए। तो माशाल्लाह से सहाबा कराम, तबा तबईन, जितने भी हमारे खुलफाए राशिदीन हो गए, तो सऊदी अरब में तो बहुत ज़्यादा विलादत हुई उनकी। अदर कंट्रीज़ में भी, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, इवन के हमारे पाकिस्तान में भी कितने ऐसे वली अल्लाह और उनकी पैदाइश वहाँ हुई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को भी पलता पुलता करे, एक दिन आए कि वो भी इसी तरह तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल हो। ये आ गया जी पेट्रोल पंप, यहाँ पे इस टाइम पेट्रोल की प्राइस है मेरे ख्याल से 3 रियाल पर लीटर है। और जो गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि पेट्रोल अच्छा है, पेट्रोल बहुत अच्छा है, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो वो सामने रहा हमारा घर बिल्कुल, जहाँ पे ये आपको 4 गाड़ियाँ पार्क हुई नज़र आ रही हैं वाइट बोर्ड के नीचे। थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर आपको आ रहा होगा, उसके लिए माजरत खाऊं। अच्छा ये यहाँ ये जो ट्रैफिक आ रही है ये मेन जो इनकी खमीस की हाईवे है उस साइड से आ रही है, और ये जा रही है खमीस के मरकज़ की तरफ जो बाज़ार है खमीस का। तो यहाँ पे रोड क्रॉसिंग का कोई साइन नहीं बना हुआ, देख के ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ता है, और मैं अभी भाग के जा रहा हूँ। इसी तरह ये भी, मतलब आपको सऊदीया में किसी भी जगह वो ज़ेबरा क्रॉसिंग का निशान नहीं नज़र आएगा। तो आप जब भी आएँ बड़े ध्यान से रोड को क्रॉस करें, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का पहला दिन है, यूट्यूब वालों ने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को ओपन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ये अभी मैं रोड के बिल्कुल सेंटर की जो फुटपाथ है वहाँ से वॉक कर रहा हूँ, और बिल्कुल सामने ये मेरी रहाइश है, घर है। बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। अच्छा यहाँ पे मतलब बिजली का भी कोई वो इशू नहीं है कि चली जाएगी तो पता नहीं कब आएगी, पानी का कोई इशू नहीं है, बस टैब आप अगर खुला भी रखें ना, टैब खुला भी छोड़ दें, पानी नहीं ख़त्म होगा कभी। अल्लाह पाक की नेमतें हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये सामने मस्जिद है हमारे घर के बिल्कुल सामने है, इंशाल्लाह यहीं पे हमने ईद की नमाज भी पढ़नी है, बाकी भी पढ़ रही है। ये वो सामने कार वॉश एरिया है और एक वर्कशॉप है गाड़ियों की, जहाँ पे गाड़ियों का मैकेनिकल वर्क किया जाता है, ट्यूनिंग ऑयल वगैरह चेंज किया जाता है। देखा है आपने गाड़ियों की रफ्तार कितनी है। ये सामने जो है ये इनका
लेडीज़ मसाज सेंटर बना हुआ है यहाँ का, और उसके नीचे एक रेस्टोरेंट है, अरेबिक रेस्टोरेंट है। रश माशाल्लाह, देख ले गाड़ियों का ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिग्नल्स भी बहुत कम देखे हैं, शायद मतलब सेंट्रल एरिया जो मतलब सिटी के हैं वहाँ पे सिग्नल वगैरह हों, अदरवाइज तो मैंने नहीं देखे इतने ज़्यादा कहीं भी हों। माशाल्लाह से आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल प्रमोट होगा, आपकी सपोर्ट से होगा। तो अब हमें रोड क्रॉस कर लेना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, एक ही गाड़ी आ रही है और वो भी स्पीड में है। ये है जी हमारे घर की मेन एंट्रेंस, ये कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, साम उसकी गाड़ी खड़ी है। तो प्लीज़ जो जो इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद मैं वीडियो बनाता रहूं और मज़ीद मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। एक्चुअली मैं इस वक्त गिम्बल नहीं यूज़ कर रहा, तो मेरे पास गिम्बल है नहीं अभी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी दो तीन चार दिन तक मैं गिम्बल ले लूँगा, फिर आपको बिल्कुल जो है ना ये बीच में रोटेशन चेंज होती है जो वो हैंड शेक की वजह से होती है, तो इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ जो जो मेरी वीडियो को देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह। आज की मेरी लाइव स्ट्रीमिंग इतनी ही है क्योंकि मुझे कुछ काम है तो वो मैंने करने हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जो जो मेरी वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह।